हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लासेस। और आज मैं ब्योमकेश आपको पढ़ाने जा रहा हूं आप ही के क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। क्लियरली पढ़ेंगे अच्छे से एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन ऑल इक्वेशन एक्टिविटी समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आने लगे। जब आपको समझ में आने लगेगा तब हम थोड़ी स्पीड भी इंक्रीज करेंगे। यही एक वीडियो देखो, इसमें हम टोटल आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर देंगे अच्छे तरीके से। और इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे तो हम आपको इंपोर्टेड क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा ड्राइव के फॉर्म में। और सुनो, 10th में ट्यूशन में जो जो होता है वो सब हम क्वालिटी, उससे अच्छे क्वालिटी का भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो यू कैन ट्रस्ट ऑन अस। और आपके 2022 बोर्ड एग्जाम से पहले आपका मैथ साइंस और इंग्लिश का टोटल चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन्ड लेक्चर विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन डल रहा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक क्या है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो पहला टर्म एसिड। एसिड बोलने पर तुम क्या समझते हो? एसिड बोले तो एसिडिटी प्रॉब्लम। एसिडिटी प्रॉब्लम क्यों होता है? डाइजेशन में प्रॉब्लम की वजह से। एसिड नाम सुनते ही एक टर्म आता है एसिडिटी प्रॉब्लम, जो कि डाइजेशन से जुड़ा हुआ है। पर यहां पे जो एसिड बेसिस, वो एसिड की वजह से एसिडिटी प्रॉब्लम होता है। एसिड क्या है? हमने प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ा रखा है या फिर आपके जूनियर्स को अभी मैं पढ़ा रहा हूं कि क्या एसिड जो होता है वो टेस्ट में कैसा होता है? सोर होता है, खट्टा, सोर इन टेस्ट। और बेस जो होता है वो कैसा होता है? बिटर टू टेस्ट, कड़वा होता है टेस्ट करने में। बेस बिटर टू टेस्ट। और इनको हम फाइंड कैसे करते हैं? जो लिटमस पेपर जब लेंगे तो एसिड में क्या होगा? वो लिटमस रेड हो जाएगा, लिटमस रेड हो जाता है, जबकि बेस में लिटमस ब्लू हो जाता है। तो जो हमें बता रहा है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि लिटमस इंडिकेटर बोलते हैं, क्योंकि ये हमें इंडिकेट करा रहा है क्या कि ये इसका कैरेक्टर के बारे में, क्या इंडिकेट करा रहा है? कैरेक्टर के बारे में। लिटमस हमें मिलता है लाइकेन से, जो कि एक पेड़ है, पौधा है बोल सकते हो, प्लांट है। तो इसलिए ये नेचर से मिल रहा है लिटमस, इसलिए इसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। ऐसे ही और एक नेचुरल इंडिकेटर का नाम आप बोल सकते हो, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में साइंस को, केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है, क्या था वो? वो था टर्मेरिक। कोई लोग बोल रहे होंगे चाइना रोज, हाँ वो भी है, बहुत सारे होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, पर बुक में जो जिक्र किया गया था वो टर्मेरिक का किया गया था। और प्रीवियस क्लासेस में भी ये सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। सुनो, ये चैप्टर थोड़ा लंबा होगा भी ना तो चिंता मत करना, क्योंकि हम चैप्टर वीडियो को छोटा करने के लिए कभी चैप्टर का इतना भी छोड़ने वाले नहीं है। हम सब पढ़ेंगे ताकि इस साल बोर्ड है, थोड़ा भारी पड़ सकता है तुम्हें अगर मैंने कुछ छोड़ दिया और तुम मुझ पे ट्रस्ट कर दिए तो। नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगा। और इस ईयर तो तुम्हारे लिए स्पेशल बैच है। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे टोटल जो है क्या है, साइंस मैथ इंग्लिश सिलेबस अपलोड करने के साथ साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो, एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाला वीडियो, एज वेल एज प्रीवियस वेयर क्वेश्चन आंसर वीडियो, क्लियर, सारा कुछ मैं अपलोड करने वाला हूं इस साल। और टेलीग्राम चैनल में भी उसके लिंक मिल जाएंगे, कौन से? पीडीएफ वाले, तो वो ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं बहुत मटेरियल देने वाला हूं और बहुत महंगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल सस्ते में मिल जाएगा तुम्हें वहां पे, तो वो ज्वाइन कर सकते हो। तो ये क्लियर है, टर्मेरिक इंडिकेटर है, इसका भी कलर चेंज होता है। जैसे सोप सॉल्यूशन में, सोप एक क्या है? बेस है। तो जब सोप सॉल्यूशन में टर्मेरिक आता है तो क्या होता है? रेड। लिटमस को ब्लू कर रहा है बेस, पर टर्मेरिक को रेड करता है। ये एक पॉइंट तुम्हें याद करना है, रेड ऑन बेस। जब गीला बेस, कोई भी गीला वाला, सूखा बेस में कुछ नहीं होने वाला, टर्न रेड ऑन बेसिस, जब बेसिस इसके ऊपर आते हैं तो ये रेड हो जाता है। क्लियर है? ये इसका इंट्रो पार्ट था। बिफोर आई मूव टू द एग्जैक्ट टॉपिक, डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके, अभी थोड़ा इंट्रो पार्ट था तो धीरे धीरे समझा दिया तुम्हें, तो तुम्हें अजी नोट करना है ये सब। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड एंड बेस रिएक्शन. क्या है? एसिड एंड बेस रिएक्शन. तो एसिड एंड बेस रिएक्शन में क्या होगा? पहले तो हम इन दोनों के प्रॉपर्टी को देखेंगे. क्या देखेंगे? इनके प्रॉपर्टी. और इस चैप्टर में मैं वो सब डिस्कस नहीं कराऊंगा. ये प्रीवियस में पढ़े थे ना, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, मैंने इंट्रो में बता दिया जितना. उसको जो इंट्रो पार्ट था वो आपके प्रीवियस क्लासेस में था. अभी हम क्या इसके रिएक्शन को पढ़ेंगे, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होगा, ये सब पढ़ेंगे. पर उससे पहले हमें इनके केमिकल प्रॉपर्टी को जानना पड़ेगा, क्योंकि इसका केमिकल रिएक्शन करने से पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी को जानते हैं. तो वो करने के लिए यहाँ पे आपके बुक में एक एक्टिविटी क्या गया है, उसमें क्या लिया गया है, कुछ एसिड लिए गए हैं. जैसे कि क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड मान लो, कुछ एसिड लिए गए हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फरिक एसिड एटसेट्रा, कुछ भी तुम अपने मर्जी से ले सकते हो, सल्फरिक एसिड. और बेस में क्या क्या लिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बेस हैं. हाइड्रोक्साइड बोले तो बेस, एसिड लिख दिया मतलब एसिड है. पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सब लिए गए हैं किसके लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, इनको केमिकल प्रॉपर्टी इनका जानने के लिए, कि बेस का कैसा होता है कॉमन केमिकल प्रॉपर्टी और एसिड का कैसा होता है ये जानने के लिए. तो इसके साथ इन्होंने क्या किया, इनका एसिड और बेस नेचर टेस्ट किया. कैसे टेस्ट करेंगे, लिटमस का यूज करेंगे. क्या करेंगे? लिटमस का यूज करेंगे. और एक वर्ड में बोलूं तो इंडिकेटर्स यूज्ड, इंडिकेटर्स यूज्ड टू टेस्ट एसिड और बेस. ये सारे लिए गए, मैंने ये तुम्हें लिख दिया कि एसिड कौन से और बेस कौन से, ये चार पांच एक साथ लिए गए और सबको एक एक करके टेस्ट किए कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है. तो मैं तुम्हें ट्रिक जो बताता हूं, हाइड्रोक्साइड आ गया बेस है, एसिड ऐसा लिखा हुआ है तो वो एसिड है. तो यहां पर इंडिकेटर्स में बस लिटमस ही नहीं था, बहुत ही प्रकार के इंडिकेटर्स ये लिए थे. तो वो इंडिकेटर्स में कौन कौन से आएंगे, तो वो इंडिकेटर्स में एक इंडिकेटर्स था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, जो इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर, जो इंडिकेटर जब उसमें एसिड या बेस गिरे तो क्या करता है, ये कलर चेंज कर रहा था, जो लिटमस था, टर्मेरिक था, ये चेंज स्मेल, इसकी खुशबू बदल जाएगी. किसकी? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का चेंज स्मेल, खुशबू बदल जाएगा. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स तो एग्जांपल क्या है, वनीला आइसक्रीम जिसका खाते हो, वनीला, और क्या, ऑनियन, ऑनियन, क्लोव. तो इसमें अगर मान लो एसिड डाल दिया जाए तो अलग स्मेल आएगा और बेस डाल दिया जाए तो अलग स्मेल आएगा. जैसे इसमें कलर चेंज होता था, इसमें स्मेल का चेंज होगा, इसलिए इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं. सूंघना है तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो स्मेल चेंज होगा. क्लियर है? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिएक्शन. सर ये क्या ड्रॉ कर दिए हैं आप, तो ये काम में आएगा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड और बेस, विथ एसिड. तो क्या करेंगे, पहले मेटल का रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ. तो यहां पे चलो थोड़ा एसिड ले लेते हैं, कौन सा, सल्फरिक एसिड ले लेते हैं. क्या लेंगे, सल्फरिक एसिड, और इसमें क्या ऐड कर देंगे मालूम है, एक मेटल ऐड कर देंगे, मान लो जिंक ले गए, जिंक का छोटा छोटा पीस करके ले गए, मान लो क्या है ये, जिंक ग्रेन्यूल, जिंक के छोटे छोटे पीस. तो अब क्या हमने देखा कि जब ये रिएक्शन कराया गया तो यहां पे जिंक ग्रेन्यूल आके मिल गए, ये मान लो मिल गए, ये ऊपर का आके मिल गया. फिर तो हमने क्या देखा कि यहां से एक गैस इवॉल्व हो रहा है, एक गैस इवॉल्व हो रहा है. तो हमने क्या किया, ये गैस को इस पाइप के थ्रू यहां लाए, और यहां पे क्या है, पानी है, नहीं सोप सॉल्यूशन, साबुन वाला पानी है.
तो जब गैस को साबुन वाले पानी में छोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है? बबल्स। क्या बबल्स? तुम बनाते हैं ना फू करके, फूंक देते हो तो कितने सारे सोप बबल्स जो बनाते हो, तो यहां पे सोप बबल्स बन गए। और जब कैंडल में उस बबल्स को जलाया गया तो बबल्स जलने पर पॉप साउंड, पुप फुट फुट, थोड़ा आवाज करके फूट रहा था सोप बबल। यूजुअली देखोगे तो जब तुम जला दोगे नॉर्मल सोप बबल्स को, जो ऑक्सीजन जिसमें मिला हुआ होता है वो उतना साउंड नहीं करता है, पर ये वाला बबल साउंड किया। तो उन्होंने सोचा ये कौन सा गैस हो सकता है, तो केमिस्ट्री बोलती है, सर केमिस्ट्री बोलता है, जो भी बोलो केमिस्ट्री को, तुम लड़के हो लड़का ले लो, लड़की हो तो तुम अपने आप से जेंडर रख सकते हो, केमिस्ट्री बोलता है या फिर बोलती है कि हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस बर्न जलता है विथ पॉप साउंड, विथ पॉप साउंड। तो हमें यहां से क्या पता चल गया कि ये जो गैस था ये हाइड्रोजन था। कौन था? हाइड्रोजन था। तो रिएक्शन आ गया क्या कि मेटल, मेटल कौन है? जिंक ग्रेन्यूल प्लस एसिड कौन है? सल्फरिक एसिड। तो क्या निकलता है? सॉल्ट निकलता है। यहां पे कुछ बनेगा, यहां पे कुछ बनेगा, सब गैस नहीं बन जाएगा, यहां पे कुछ बनने के बाद एक गैस इवॉल्व होगा और वो गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस। वो तुम कोई भी मेटल लो या फिर कोई भी एसिड ले सकते हो, उसमें मेटल कोई भी लेना, कोई भी एसिड लेना, सॉल्ट एक निकलेगा उसके हिसाब से, पर कॉमन क्या होगा सब में? हाइड्रोजन गैस। याद रख सकते हो? रख सकते हो कि नहीं? यार आसान सी तो चीज है, इसमें क्या याद रखने का है? बहुत आसान है, याद हो गया होगा अभी। चलो रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस पढ़ेंगे, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, वो आसान है। हाँ तो नेक्स्ट क्या? रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस देखेंगे, तो देखते हैं क्या होगा। तो इसमें भी कुछ वैसा होता है, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। एक सॉल्ट हाइड्रोक्साइड बोले तो सॉल्ट क्या लूंगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या है फॉर्मूला? NaOH प्लस जिंक, जिंक मेटल के तौर पर यूज कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? तो यहां पे फॉर्म क्या होगा? एक सॉल्ट फॉर्म होगा जिसका नाम होगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। और इसके साथ क्या फॉर्म हो जाएगा? हमने क्या देखा था कि एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा था, तो इसी के केस में भी क्या होगा? हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म होने वाला है। पर सर आपने यहां पे नहीं लिखा कि बेस प्लस मेटल इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्यों? पहले तो देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंसिंग नहीं आता? जाओ फर्स्ट चैप्टर पहले जाके देखो, उसमें मैंने बैलेंसिंग बहुत डिटेल में समझाया है, धीरे धीरे करके एग्जाम्पल देकर पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। तुम सर्च करो क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बाय जकास, मिल जाएगा तुम्हें वो वीडियो। नहीं मिलता है तो मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखो वहां पे Na कितना है? 2 है। यहां पे पहले मैं 2 बना देता हूं, 2NaOH, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, चलो बैलेंस हो गया। सर आपने इतना फटाक से दे दिया, स्टेप जिनको आता था वो तो 5 स्टेप में सर बैलेंस होता था। हाँ मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं इक्वेशन देख के बता सकता हूँ कहाँ पे 2 या 3 बैठा देने से, जितना भी बैठाने से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ तुम भी वैसे बन जाओ, मेरे साथ पढ़ो, मस्ती में पढ़ते हैं यार हम, कहाँ मजबूरी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिखा कि मेटल बेस प्लस मेटल इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस तरह का रिएक्शन, this type of reaction is not possible, possible नहीं है, in all case, possible in all case। तो सारे बेस के केस में यह तरह के रिएक्शन पॉसिबल नहीं है जिसमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकले। इसलिए हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया है, जैसे NaOH के केस और जिंक के केस में यह पॉसिबल है। क्लियर है? तो अगर तुम्हें पूछा जाए रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, तो ये वाला ही लिखना है तुम्हें, और कुछ मेटल लोगे तो क्या चांसेस है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो रिस्क क्यों लेना है? बोर्ड का ईयर है,
सब याद करते करते चलो, समझते चलो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा मेहनत। टेंथ में 95% प्लस स्कोर करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम 100 फोड़ सकते हो, 99 फोड़ सकते हो, मैं बता दे रहा हूं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेटल कार्बोनेट। क्या है? मेटल कार्बोनेट। अब ये क्या है आसानी से समझाऊंगा। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड कार्बोनेट, और नाम देखो ब्लैकबोर्ड पर गया, विथ एसिड, विथ एसिड। क्लियर है? तो देखो पहले तो कार्बोनेट मतलब क्या, CO3। क्लियर? कोई मेटल ले लेने का, Na ले लेते हैं, चलो सोडियम, सोडियम कार्बोनेट बन गया। Na2 क्यों लिखा? ये कंपाउंड का एक्सचेंज भी मैं इस साल ही पढ़ा दूंगा अगर मौका मिलेगा तो, नहीं तो हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इस साल शायद है तुम्हारा, पढ़ा दूंगा मैं, चिंता मत करो। धीरे धीरे अभी तो रटना पड़ेगा पहले 2-3 चैप्टर, उसके बाद बाद हम पढ़ लेंगे ये कैसे Na2 बना। CO3 मतलब कार्बोनेट तो पता है, तो इसका रिएक्शन क्या करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे। तो रिएक्शन में क्या निकल रहा है? तो रिएक्शन में निकलता है NaCl। क्या निकला? NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? एक सॉल्ट मिल रहा है। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट है, तुम अपने खाने में डालते हो या फिर रोज खाते हो, खाने में तो ये डलता ही है, मम्मी से पूछना, वो व्हाइट कलर का सॉल्ट वही है NaCl। क्या पूछने का, तुम्हें इतना नहीं पता नमक क्या होता है? 10th क्लास में आगे पता होगा, मेरे बच्चे समझदार हैं, उनको सब कुछ पता होगा। क्लियर है ना? तो ये सॉल्ट है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। यहाँ पे Na कितना है? 2 है, जबकि वहां पे 1 है। तो पहले यहाँ पे 2 बैठा देता हूँ, चलो देखते हैं। 2NaCl, तो वहां पे देखो Cl 2 हो गया, तो यहाँ पे 2HCl कर दिया। तो अब चेक करते हैं, Na 2 है, वहां पे भी Na 2 है, Cl 2 है, वहां पे भी Cl 2 है, कार्बोनेट C कार्बन 1 है, वहां पे कार्बन 1 है, हाँ बिल्कुल है, ऑक्सीजन 3 है, हाँ बिल्कुल, 2, 1, 3। अब और क्या बचा? हाइड्रोजन 2 है, ये भी 2 है। सर आप 2 स्टेप में कैसे बैलेंस कर दे रहे हो? बोला ना, एक्सपीरियंस के साथ साथ तुम भी 2 स्टेप में बैलेंस कर पाओगे, बस थोड़े तजुर्बे की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो वही बिल्कुल सेम है फॉर्मूला जैसे। तो कैसे होगा? Na, पहले तो कार्बोनेट के लिए क्या लिखते हैं? CO3। अब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एक ऐड हो जाएगा, और ये 2 नहीं रहेगा, और हाइड्रोजन आ गया ना, तो Na1 हो गया, एक जगह हाइड्रोजन ले गया, तो 1 हाइड्रोजन और 1 हो गया, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तुम्हें पता है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बोनेट के साथ भी वही सेम रिएक्शन होता है, बस यहाँ पे H एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, वरना प्रोडक्ट सेम निकलने वाला है। अब देखते हैं क्या ये बैलेंस है। Na सेम है, हाइड्रोजन 1 है, उधर उधर 2 है, नहीं इधर भी 2 है, 1, 2 है, उधर भी 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, वहां पे देखते, कार्बन 1 है, वहां पे देखते हैं 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 2, 1, 3 है, और क्या बचा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर भी 2 है, क्लोरीन 1 है, उधर भी क्लोरीन 1 है। तो ये रिएक्शन पूरा का पूरा बैलेंस है, हमें और बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो और एक रिएक्शन चलो दिखा देता हूं तुम्हें, कौन सा वाला? लाइम वाटर वाला। तो लाइम वाटर क्या बनता है? जब सी ए प्लस एच टू हो जाता है तो ये CaOH2 हो जाता है, और वो व्हाइट कलर का कैसे होता है जब कुछ देर बाद? तो दिखा देता हूं मैं। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना पानी, लाइम वाटर, ये क्या है? चूने का पानी है, जो होम में पेंट करते हैं, पर जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि जब हम इसको पेंट करते हैं ऐसा लगता है कि हमने पानी पेंट किया है, वो सफेद वाला कलर वॉल पे नहीं दिखता है, कुछ समय बाद दिखता है। तो वो क्यों दिखता है? तो हवा जब उसको लगता है तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नामक एक गैस होता है,
तो उसके साथ वो रिएक्शन करता है, और जब वो उसके साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, CaCO3 प्लस उसके साथ साथ क्या निकलेगा, वाटर। और ये वाटर कहां जाता है सर, निझरता तो नहीं है नीचे, वो हवा में ही मिल जाता है वाटर, क्लियर है, वाटर वेपर के फॉर्म में हवा में मिल जाता है। तो यहां पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहां पे ये जो होगा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो इसलिए वो सफेद कुछ समय बाद दिखता है, सॉडन नहीं दिखता है। इसको बोलते हैं लाइम वाटर, लाइम वाटर। तो यहां पे देखो बैलेंस है क्या, कैल्शियम एक एक है, चलो ऑक्सीजन कितने हैं, O इंटू टू O2 और चार हैं, उधर कितने हैं ऑक्सीजन, उधर ऑक्सीजन बस एक तीन, और वहां भी चार हैं। तो हाइड्रोजन देखते हैं यहां पे दो है, उधर भी दो है, और क्या कार्बन, कार्बन वहां पे भी एक है इधर भी एक है, और क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो सेम थे, चार चार हैं दोनों तरफ, क्लियर है। तो बैलेंस रिएक्शन है। तो अभी और एक रिएक्शन मैं तुम्हें दिखा देता हूं। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना इसके साथ और रिएक्शन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे क्या बनता है पता है, प्रोडक्ट, ये जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर एक बार रिएक्ट करेगा तो CaHCO3 होल टू, ये एक रिएक्शन याद कर लो, ये जब कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट आई विल टेल सम ऑफ अदर रिएक्शन ऑफ क्या, मिडल कार्बोनेट विथ एसिड, या फिर इसका जनरल फॉर्मूला तुम बोल सकते हो, वो थोड़ा बेसिक में लिख दूंगा या फिर यहां पे लिख दूं, बोलो यहां पे लिख दूं, ठीक है तुम जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। चलो यहां पे लिख देता हूं, इसको अभी मिटा देता हूं, कितना टाइम लगेगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सर बेस के साथ नहीं करेगा, बेस के साथ नॉन मेटल वाला करेगा, मेटल वाला नहीं करता, इसलिए बुक में नहीं दिया है। तो देखो मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, तो ये दोनों मिलने पर क्या निकलता है प्रोडक्ट, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, क्लियर है ये सब पूरे अच्छे तरीके से, इसको याद कर लो। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ये दोनों इस अदर दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। तो देखो इसमें क्या होगा, तो इसमें एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। चलो बेस में ले लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड में ले लिए क्या NaCl, चलो सॉरी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या निकलेगा NaCl प्लस H2O। तो क्या निकला, जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, एक सॉल्ट मिल रहा है, क्योंकि NaCl कॉमन सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो हम हर रोज खाते हैं, खाने में डलता है हर रोज, जैसे तुम खाना खाते होगे, हाँ रोटी खाते हो सिर्फ सर, अगर कोई रोटी खाएगा तो रोटी में भी डलता है ना थोड़ा वाटर, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़े थे कि हम एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के वजह से कंट्रोल करते हैं,
पेट में एसिड हो जाता है स्टोमक में, तो हम बेस खा लेते हैं जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर एंटासिड बोलते हैं, तो अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो जाता है और वो एसिड को शांत कर देता है जिससे पेट में जलन या फिर एसिडिटी खत्म हो जाती है। क्लियर है? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, या फिर और एक बता देता हूं, मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। सो मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड भी कुछ ऐसा ही है, तो उसमें क्या होगा, जो मेटल का ऑक्साइड होगा, जो मेटालिक ऑक्साइड, चलो लिख देता हूं नॉर्मल फॉर्म में, मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड, तो इसमें फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही प्रोडक्ट देने वाला है। मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, जैसे ZN, जिंक ऑक्साइड ZnO2, और क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड MgO, तो ये सब क्या है, क्या है, ये ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। नॉन मेटालिक मतलब जो नॉन मेटल उसका ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल सर दूंगा ना, चलो पहले देखते हैं इसका क्या फॉर्म होगा। तो इसमें क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे मान लो CO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटालिक है, उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, उसका ऑक्साइड फॉर्म, तो CO2 लेंगे। इसके साथ क्या ले जाएंगे, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारा फेवराइट बेस। फेवराइट क्यों सर, यही तो दे रहे हैं तब से एग्जाम्पल ज्यादातर। तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर H2। क्लियर, क्या फॉर्म होगा जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस क्या देखेंगे, कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो पहला कॉमन थिंग तो हाइड्रोजन दोनों के पास होता है। जैसे कुछ एसिड का नाम लिख देता हूं, तो H2SO4 आ जाएगा, HCl आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड। और जब मैं बेस का एग्जांपल लेता हूं, तो पहले CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या आ जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों में देखो क्या आ रहा है, बेस आ रहा है, बस यहां पे OH आ रहा है, यहां पे सिर्फ H आ रहा है। तो क्या तुम बोल सकते हो कि जो हाइड्रोजन लेता है वो एसिड है सिर्फ, या फिर जो हाइड्रोजन रखता है वो सिर्फ बेस है? तो हाइड्रोजन क्या है दोनों में, कॉमन है। क्या है, कॉमन, H मीन्स हाइड्रोजन, तो दोनों में हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन के बेसिस पर तुम कभी भी डिस्टिंगाइज मत करना कि ये एसिड है और ये बेस है, हाइड्रोक्साइड और एसिड के बेस में कर सकते हो। तो हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या करेंगे, तो जिसमें सॉल्यूशन बनाएंगे, पहले क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। फिर से मार्कर का कैप गिर गया, इसको नोट करो, मैं पहले मिटा देता हूं। जैसे हमने देखा एक कॉमन प्रॉपर्टी कौन सा हो गया, कौन सा, हाइड्रोजन है दोनों के पास। दूसरा क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सूखे नहीं करेंगे, जब पानी में मिल जाएंगे तो दोनों का आयन फॉर्मेशन होता है और वैसे ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। पर तुम्हें एक चीज याद रखो बच्चों कि ये लोग तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं जब ये वाटर के साथ पहले रिएक्शन करते हैं। तो टॉपिक क्या होगा नेक्स्ट, वाटर विथ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस लिख देता हूं, बेस। तो हमने जाना कि जब कोई एसिड या बेस पानी में मिल जाता है तो वो क्या करता है, वो आयन फॉर्मेशन करता है। तो पहले HCl को मिलाते हैं, चलो क्या करेंगे, HCl को मिलाएंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O, तो क्या फॉर्म होगा, H3O प्लस, और क्या,
Cl माइनस, तो Cl माइनस हुआ, H प्लस होना चाहिए। बोलते हैं हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस, बहुत से बुक बोलते हैं कि हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस फॉर्म होता है, होता है। सर H3O प्लस लिखे हैं, जरा सर झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा बच्चों, देखो तो ये H प्लस H3O प्लस के पीछे छुपा हुआ है, कैसे? तो H3O प्लस क्या है पता है? इस H प्लस प्लस H2O, जब H प्लस आयन में थोड़ा पानी, सुनो HCl को आयन बनाने के लिए थोड़ा सा ही पानी जरूरत होता है, मान लो थोड़ा पानी ज्यादा हो गया तो वो H2O के फॉर्म में ही रह गया, तो वो पानी और कहां जाएगा? तो यहां पे क्या होता है, Cl माइनस आयन फॉर्म करता है और जो H प्लस आयन होता है वो पानी में मिल जाता है और H3O प्लस आयन फॉर्म कर देता है। क्लियर है? तो यहां पे कौन कौन से आयन बन रहे हैं, H प्लस और Cl माइनस, या फिर अगर डिटेल में पूछे तो H3O प्लस और Cl माइनस। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें जब हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, कुछ वैसा ही होने वाला है, NaOH, इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, तो यहां पे क्या होगा, बेस के केस में Na प्लस Cl माइनस। क्लियर है? यहां पे कुछ और H2O मिलके कुछ रहने वाला नहीं है, वैसे KOH Mg वाला है, MgOH2, तो यहां पे देखो क्या होता है, KOH, ये भी सेम बिल्कुल सोडियम की तरह, पोटासियम भी जब H2O पास करेंगे या फिर डालेंगे तो क्या होगा, K प्लस और OH माइनस, यहां पे O और ये H और ये माइनस थोड़ा इधर खिसका देते हैं, Cl माइनस लिख दिया था, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब क्या है, MgOH2, MgOH2, तो इसमें क्या होता है, Mg प्लस नहीं, Mg2 प्लस और क्या, OH माइनस। क्लियर है? क्लियर। पर यहां पे तुम शायद एक चीज भूल गए कि यहां पे इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, 2OH माइनस। अभी ठीक है सारा इक्वेशन, समझ गए? जब वाटर के साथ एसिड या फिर बेस रिएक्ट करता है तो कुछ ऐसा दिखने के लिए मिलता है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमें क्या पता है कि सारे बेस, तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऑल बेस, जो सारे बेस होते हैं, ऑल बेसिस doesn't dissolve, किधर dissolve नहीं करते, water में, सारे base water में dissolve नहीं करते। clear है? तो क्या है, कुछ base करते हैं, base जो dissolve करते हैं उनका भी नाम दिया गया है, क्योंकि सारे नहीं करते, dissolve in water जो dissolve करते हैं उनको हम अल्कालीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कालीस। क्लियर? पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों। सर आप वकील बन गए? नहीं मैं नहीं बनाऊ। और अब जो हम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे उससे हमें क्या पता चला कि एसिड जेनरेट, जो एसिड होता है वो जेनरेट करता है क्या, एच प्लस आयन, और ये कॉमन होता है सारे एसिड में, सारे एसिड में, वो HCl हो तो H प्लस Cl माइनस, वो H2SO4 हो तो H2 प्लस और क्या, SO4 2 माइनस, H प्लस और SO4 2 माइनस, और कोई भी एसिड ले लो, HNO3 तो NO3 माइनस और H प्लस, तो सारे में कॉमन क्या है एसिड में, H प्लस, जबकि बेस में, बेस जेनरेट OH माइनस आया। और तुम्हें पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसी के वजह से एक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एसिड विद बेस रिएक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की और अच्छे से समझ में आएगा कैसे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो जैसे एक लड़का लड़की के बीच शादी होती है तो इनके बीच शादी होकर सॉल्ट बनने वाला है। क्लियर? कैसे बनेगा मैं बताऊंगा, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर होता है, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है? तो एसिड में कौन सा आयन होता है कॉमन, एच, तो एच के साथ कुछ होता है जैसे क्लोरीन हो गया, एसओ फोर,
सल्फरिक हो गया, सल्फर हो गया या कुछ भी हो गया, NO3 हो गया, तो उसको मान लो हम X ले लेते हैं क्योंकि कॉमन X है, बाकी इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, Cl कभी, SO4 कभी, NO3 कभी, तो X ले लेते हैं। और बेस में तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, OH होता है, OH होता है, और उसके साथ यहाँ पे मान लो कुछ M है, ये भी चेंज होता है ना, जैसे NaOH हो गया, फिर क्या गया, बहुत से OH होते हैं, NaOH, KOH, MgOH2, बहुत सारे चीज होते हैं, तो इसको मान लो M ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये H और OH एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये एक बंधन में बंध जाएंगे, तो ये अलग हो गए। तो पहले क्या बन गया, H प्लस OH, दो H एक O, तो क्या हो गया, H2O, तो क्या बना, वाटर। फिर बच्चे ये बेचारे दोनों कौन, X और M, तो ये जो XM बना ये क्या है, सॉल्ट है, क्लियर, जो एसिड और बेस मिलके बना रहे हैं क्या है, वो सॉल्ट है। अभी क्लियर है तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो और एक बात मैं बता देता हूं, जब एसिड या फिर बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आप पहले इसको नोट करो, फिर तीन चार लाइन वैसे भी लिखना है। अब कुछ काम की बात करेंगे तो सर आप बेकार की बात कर रहे थे, नहीं, नॉर्मल जो टॉपिक तुम्हें जानना है ये समझ सकते हो तुम। तो पहला पॉइंट क्या है, जैसे मैंने बताया था कि डिजॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर, डिजॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर, डिजॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, जो भी तुम डिजॉल्व करोगे कहां पे, वाटर पे, वो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, उसमें थोड़ा हीट इवॉल्व होता है, वो बेस के ऊपर या फिर एसिड के ऊपर डिपेंड करता है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज्यादा भयंकर वाला गर्म निकलने वाला है, जैसे चूना जब पानी में घुलता है तो पूरा पानी उबल जाता है, उतना एक्सोथर्मिक होता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अपने लाइफ में जब जब भी तुम केमिस्ट्री लैब में जाओ और तुम्हें एसिड और वाटर को मिलाने का काम दिया जाए तो एक गलती कभी मत करना, क्या, डोंट मिक्स, डोंट एड वाटर टू एसिड। सर तो कैसे मिलाएंगे, आपने बोला एसिड में पानी ना डाले, तो कैसे मिलाएंगे, हमेशा तुम्हें कैसे मिलाना है, एड एसिड टू वाटर। सर इस बात में कुछ सेंस बनता है, बिल्कुल बनता है, और ये काम कर दिए ना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड वाले के साथ, तो तुम्हारा और सेंस नहीं बनने वाला, बता दे रहा हूं, डोंट एड वाटर टू एसिड, कभी भी एसिड में पानी नहीं डालने का, पानी में थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालने का, वरना क्या होगा, जब तुम एसिड में पानी डाल दोगे बूंद बूंद करके भी अगर डालोगे तो वो ऐसा फूटने वाला है वो बर्तन, वो तुम्हारे मुंह में भी आकर तुम्हें भी जला सकता है, मुंह जला सकता है, एसिड अटैक हो सकता है, सेल्फ अटैक होगा, तुम्हारे गलती की वजह से तुम्हारा मुंह जल सकता है, पर मेरे बच्चे समझदार हैं, वो ऐसा काम अपने लैब में नहीं करेंगे क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है। जो वीडियो अच्छे से देखते हैं हमारा लाइन बाय लाइन बिना स्किप किए, उनको ऐसे जानकारी मिलती है जो कि लाइफ सेविंग भी होता है, क्लियर है। लास्ट लाइन क्या है जो मैं लिखाने वाला हूं, मिक्सिंग वाटर इन एसिड और बेस, मिक्सिंग वाटर, क्या करेंगे, मिक्सिंग वाटर मिक्स करेंगे कहां पे, एसिड या फिर बेस में, और बेस ये क्या करता है, डिक्रीज, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा, किसका, कंसंट्रेशन ऑफ H3O+, एसिड में H3O+ आयन और बेस में OH- आयन का कंसंट्रेशन को क्या करेगा, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और ये जो प्रोसेस होता है इसको डाइल्यूशन बोलते हैं, कॉल्ड डाइल्यूशन। तो तुमने देखा होगा अगर लैब में गए होगे या फिर बुक में पढ़ा होगा कि डाइल्यूटेड सल्फरिक एसिड,
कंसंट्रेटेड सल्फरिक एसिड। तो जो कंसंट्रेटेड सल्फरिक एसिड है वो बस सल्फरिक एसिड है, पर जब ये डाइल्यूटेड टर्म उसमें मिल जाता है तो क्या होता है, वो पानी में उसको मिलाया जाता है, पानी थोड़ा उसमें ऐड हुआ होता है। पर ऐड कैसे करना है, एसिड को पानी में ऐड करना है, पानी को एसिड में ऐड मत करना, ये गलती लाइफ में मत करना बच्चे, सॉरी डोंट ऐड वाटर टू एसिड, ऐड एसिड टू वाटर, क्लियर है, या फिर सॉरी बोलने के लायक भी नहीं रहोगे तुम्हारे टीचर को ये काम करने के बाद, पर तुम तो समझदार हो ना। तो ये जिनको क्लियर हो गया कमेंट सेक्शन में बताओ सर पूरा क्लियर है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस आर, जो एसिड है या फिर जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो हम कैसे पता कर सकते हैं। ये जो क्या ड्रॉ क्या है वो इसी के लिए है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस आर। तो एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है तो वो हम कैसे देखते हैं, दोनों में एक चीज कॉमन होता है, क्या वो है हाइड्रोजन। तो वी यूज पीएच इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज होता है, पीएच यूज होता है। तो पीएच का काम क्या है, पीएच का नाम क्या है, पीएच बोले तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ताकत पावर। तो पोटेंशियल मतलब पावर, क्या है पोटेंशियल मतलब पावर, ये अलग लैंग्वेज में है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो पीएच क्या है, पीएच कुछ ऐसा स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक होता है, क्या ऐसा दिखता है कुछ स्ट्रिप तरीके का, नहीं एक तो पीएच पेपर आता है या तो पीएच की मशीन आता है, वो थर्मोमीटर की तरह तुम बोल सकते हो, जो फिश फार्मिंग करते हैं उनके पास पीएच मीटर मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ पे एक ऐसा मीटर लिखा होता है, फिर यहाँ पे एक स्विच होगा, स्विच दबा दोगे तो मीटर में आ जाएगा जहां पे डुबो दोगे जिसका पीएच, मान लो तुम्हें अपने घर के पानी का पीएच नापना है तो उसमें डुबो दोगे तो वो बता देगा 0 से 14 के बीच कोई एक आंकड़ा। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, रीडिंग कैसे करते हैं पीएच का, जो 7 होता है वो स्टैंडर्ड होता है, 7 मतलब न्यूट्रल, ना वो एसिड है ना वो बेस है, पर जब उसका आंकड़ा लेस देन 7 होता है मतलब 7 से छोटा होता है तो वो एसिड होता है, और जब ग्रेटर देन 7 होता है, जब ग्रेटर देन 7 होता है तो वो बेस होता है। तो कुछ ऐसा ही पीएच स्केल मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये टेबुलेशन फॉर्म में बोल सकते हो। तो चलो 0 से शुरुआत करते हैं, 0 में कुछ नहीं है, 1 बोले तो गैस्ट्रिक जूस, उसका पीएच एक्यूरेट कितना है 1.2, तो ये क्या है एसिडिक है, लेमन जूस खट्टा लगता है, नींबू वाला पानी नहीं नींबू का रस की बात कर रहे हैं, 2.2 पीएच होता है तो ये क्या है एसिडिक है। प्योर वाटर शुद्ध पानी या फिर जो ब्लड होता है जो खून हमारे रगों में दौड़ता है उसका पीएच कितना होता है 7.4, मतलब ये बोल सकते हो थोड़ा सा बेसिक होता है पर न्यूट्रल बोल सकते हो 7 के आसपास है या फिर थोड़ा सा बेसिक हो, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा। तो 10th में आ गए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोले तो एंटासिड, जो एंटासिड सिरप तुम खाते हो जब एसिडिटी होता है, क्योंकि ये बेस है तो कोई एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। नेक्स्ट सबसे जो ज्यादा बेसिक है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच 14 है, क्लियर फंडा क्लियर है पीएच वाला। अब देखते हैं कि हम पीएच नापते ही क्यों है, पीएच इन आवर डेली लाइफ नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल दिस इन योर कॉपी। नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इंपोर्टेंस ऑफ किसका इंपोर्टेंस, पीएच का, कहां पे हमारे एवरीडे लाइफ में, इन एवरीडे लाइफ। तो चलो देखते हैं क्या इंपोर्टेंट है पीएच का। तो पीएच का इंपोर्टेंट क्या है, पहले तो एनिमल्स और प्लांट्स में देखते हैं। तो हमारे जो एनिमल्स हम जो हैं या फिर प्लांट्स हैं, सर हम जानवर हैं, इंसान भी जानवरों के अंदर एनिमल्स के अंदर आता है, जानवर बोल के नहीं, जानवर इंसान सब आते हैं। तो ये लोग 7 to survive in, ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं किस पीएच में, सर्वाइव इन 7 to
7.8 पीएच, ये इनके लिए सुइटेबल होता है। आप कुछ बोलेंगे सर 6 में नहीं रह सकते, रह सकते हैं पर उससे नीचे हो सकते हैं। तो अच्छा, सबसे सुइटेबल कंडीशन ये है। तो रेन वाटर जब 5.6 वाला हो जाता है, जब जो पानी बरसता है उसका पीएच जब बहुत कम हो जाता है 7 से, कितना हो जाता है 5.6, तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, विच कॉच जो कि क्या करता है, कॉच डैमेज टू अस एंड आवर एटमोस्फियर, जो हमें और हमारे एटमोस्फियर को क्या करता है, डैमेज पहुंचाता है। तो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसको पहले तुम नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, वेनस नाम के एक प्लैनेट, जो शुक्र प्लैनेट होता है, वो किससे बना होता है, थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स। जो वेनस प्लैनेट है, जो वेनस प्लैनेट है, मेड ऑफ ऑफ बना होता है थिक, मोटे, सफेद और कैसे पीले, येलोइश क्लाउड। और ये क्लाउड किसका होता है, ऑफ सल्फरिक एसिड, क्लाउड ऑफ सल्फरिक एसिड। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या यहां पे लाइफ पॉसिबल है? हमें पता है इतना पीएच में 5.6 में हमारा डैमेज हो जाता है, तो जब सल्फरिक एसिड वाले क्लाउड वाले प्लैनेट में हम जी सकेंगे? हाँ, कुछ मॉडिफिकेशन हो पाएगा वो फ्यूचर में हजारों साल बाद, अभी तो नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा, तो अभी तो लाइफ वहां पे पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वही पीएच इन एवरीडे लाइफ का और पढ़ेंगे, जैसे एनिमल एंड प्लांट दिख गया। अब क्या देखेंगे, पीएच इन सॉइल। तो सॉइल में अगर पीएच में कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, क्रॉप को नुकसान होगा, किसान को नुकसान होगा, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ग्रोथ में इशू आ सकते हैं, डिजीज हो सकता है। तो पीएच इन सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर आइडियल क्रॉप प्रोडक्शन। किसके लिए, आइडियल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए पीएच नापना सॉइल में भी जरूरी है। क्लियर? अब क्या है, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो एसिडिटी होता है वो पीएच का ही तो नतीजा है। जब पीएच लो हो जाता है एसिड की वजह से तो हमें एसिडिटी हो जाती है, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एंटासिड में होता है वो खा लेते हैं, तो फिर से न्यूट्रल होकर हम नॉर्मल हो जाते हैं। वही है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, पीएच इन चेंज और कॉच टूथ डिके। जो पीएच चेंज होता है वो क्या करता है, पीएच चेंज मतलब पीएच में चेंज कॉच टूथ डिके, दांतों का सड़ना या फिर टूथ डिके, जो एक डिजीज है, कॉस डिजीज नहीं है परमानेंट पर प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है। तो ये क्यों होता है, जब हमारे माउथ का पीएच, हमारे मुंह का पीएच, पीएच ऑफ माउथ कितने के नीचे जाएगा, नीचे जाता है सर, हाँ नीचे जाता है, इस लेस देन 5.5, क्या है, लेस देन 5.5 जब हो जाता है माउथ का पीएच, तो जो एनएमएल होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोजियापेटिट, हाइड्रोक्सी जो एनएमएल होता है, एनएमएल इज डैमेज्ड। और ये एनएमएल मतलब कौन सा पार्ट, जो टूथ का सबसे ऊपर वाला पार्ट, टूथ में जो ऊपर एक कोवरिंग होता है व्हाइट कलर का, वही एनएमएल है। और एनएमएल को क्या बोलते हैं केमिकल नाम पे, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपाटाइट। क्या लंबा चौड़ा नाम है, और ये याद करना तुम्हें पड़ेगा। तो हम टूथ डिके को कैसे रोक सकते हैं, बाय रेगुलर क्लीनिंग ऑफ माउथ, रेगुलरली क्लीन माउथ। जो रेगुलरली मुंह को साफ करेगा वो टूथ डिके से बच सकता है। क्लियर है? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो पीएच का लास्ट यूज लिख दो,
पीएच इन हनी बी, हनी बी का स्टिंग जो होता है मधुमक्खी के छत्ते के पास जाके अगर कुछ गड़बड़ करोगे, उनको परेशान करोगे, तो वो जब हमें डैमेज करते हैं, बाइट करते हैं, क्या करते हैं, काटते हैं, तो बहुत दर्द होता है। हनी बी बाइट जो होता है वो क्यों उतना दर्द करता है, वो तो बहुत छोटे जीव हैं, बहुत छोटे एनिमल है। बी कॉस बाइट, कॉस जो बाइट होता है वो जब काट देते हैं हमें, तो वहां पे क्या हो जाता है, एसिड रिलीज कर देते हैं, तो वो एसिड के वजह से हमारा दर्द बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे हम, अप्लाई बेस, अप्लाई बेकिंग सोडा। ये क्या है बेकिंग सोडा, एक बेस है सोडा, टू न्यूट्रलाइज एसिड। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। इसी के साथ जो पीएस का यूज होता है फिनिश। नेक्स्ट वी विल नो मोर अबाउट सॉल्ट। जो सॉल्ट बोला था क्या, एसिड और बेस के मिलने में सॉल्ट और वाटर मिलता है, मेटल के साथ रिएक्शन करने में भी सॉल्ट मिलता है, तो वो सॉल्ट के बारे में, नमक के बारे में हिंदी में बोलूं तो बहुत आसानी से, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलो सॉल्ट की चर्चा करते हैं, हेडिंग लगाओ मोर अबाउट सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में और ज्यादा, क्या और ज्यादा, नमक के बारे में। तो पहले नमक लिखो, कॉमन सॉल्ट, जो हर घर में यूज होता है, जो हर दुकान में मिलता है, बोलने से वैरायटी, जनरल स्टोर में मिलता है, लोहे के दुकान में सॉल्ट थोड़े ना मिलेगा, तो कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कि NaCl हम लिखते हैं इक्वेशन फॉर्मूला में, Na बोले तो सोडियम, Cl बोले तो क्लोराइड। तो सॉल्ट बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, KCl, NaCl, और कौन सा सॉल्ट होता है, सॉल्ट कई तरीके के होते हैं, जैसे Na2SO4, Na2SO4 ये भी सॉल्ट है। तो सॉल्ट का भी फैमिली होता है, सॉल्ट का भी परिवार होता है, कैसे, जैसे एक सरनेम वाले को एक फैमिली का बोलते हैं, मान लो तुम्हारा सरनेम क्या है, यादव है, त्रिपाठी है, मिश्रा है, जो भी है तुम्हारा सरनेम, गायकवाड़ है, ठाकरे है, जो भी तुम्हारा सरनेम है, तुम उस फैमिली से बिलोंग करते हो, वैसे सॉल्ट का सरनेम जो है वो उस फैमिली से बिलोंग करेगा। जैसे NaCl, KCl, ये कौन से फैमिली के हैं, Cl मत बोलना, Cl का फुल फॉर्म क्लोराइड होता है, क्लोराइड फैमिली। क्या है, क्लोराइड फैमिली। और किस तरीके से, मान लो कभी कभी किसी के सरनेम पहले लिखा जाता है, जैसे पसारी प्रवीण, प्रवीण पसारी की जगह पसारी प्रवीण, तो कुछ जगह पे वैसा भी होता है, जैसे NaCl और Na2SO4, यहां पे कॉमन इनका सरनेम कौन सा है, Na है, पर वो पहले लिखा गया है, तो ये कौन से फैमिली में बिलोंग किए, सोडियम वाले फैमिली। क्लियर, सरनेम जो है वो उनकी फैमिली होगी, जो वाला कॉमन होगा ये। तो NaCl में तुमने एक चीज देखा कि ये क्लोराइड फैमिली का भी हिस्सा है और ये क्या, सोडियम फैमिली का भी हिस्सा है, कोई दो फैमिली का कैसे बन सकता है। तो जैसे लड़कियां होती है जब शादी के बाद उनका सरनेम चेंज हो जाता है, वैसे सोडियम को, NaCl कॉमन सॉल्ट को तुम लड़की मान सकते हो समझने के लिए। तो जो भी चीज कॉमन होगा वो एक फैमिली से बिलोंग करेंगे उनमें जो कॉमन होगा। क्लियर है। सो बिफोर आई मूव टू मोर अबाउट सॉल्ट, दैट इज केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट ऑब्टेन करेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, क्या केमिकल्स किससे, सॉल्ट से क्या क्या बनेगा, डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं सॉल्ट कैसे बनता है। कॉमन सॉल्ट NaCl होता है, तो Na और Cl कहां से आएंगे, तो देखो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl, तो क्या बनता है, NaCl, बोले तो कॉमन सॉल्ट, नमक बनता है और पानी बनता है क्या, H2O,
क्लियर है, समंदर का पानी बन गया NaCl प्लस H2O, घोल दोगे तो। इतना तक हो गया। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे कि ये कॉमन सॉल्ट का यूज क्या है, कॉमन सॉल्ट कहां कहां पे काम आएगा। पर उससे पहले देखते हैं कॉमन सॉल्ट होता कैसे है। तो कॉमन सॉल्ट कुछ तो समंदर से मिलता है तुम्हें जैसे मालूम है, और बहुत से कुछ कॉमन सॉल्ट विथ इंप्योरिटी के साथ मिलकर होता है, तो उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। और ये जो ब्राउन कलर का कॉमन सॉल्ट जो इंप्योरिटी के साथ मिला हुआ होता है, इसको हम एक नाम दिए हैं जिसको रॉक सॉल्ट कहा जाता है। डिपोजिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट लिख सकते हो। और ये कहां पे होता है, माइंस पे होता है। जैसे कोयले का खनी होता है, कोयला कहां से निकलता है, खनी से निकलता है, वैसे ही रॉक सॉल्ट भी खनी से निकलता है। इसके माइंस है, खादान है इसकी, किसके, रॉक सॉल्ट की। क्लियर है। ये क्या सॉल्ट का बड़ा बड़ा पत्थर होगा इसलिए रॉक सॉल्ट कहा गया, पर व्हाइट पूरा नहीं होता है, थोड़ा ब्राउनिश होता है क्योंकि उसमें इंप्योरिटी होती है। अब देखते हैं सॉल्ट से क्या क्या बनता है। कॉमन सॉल्ट यूजेस, कॉमन सॉल्ट यूज टू मेक, ये बनाने में मदद करता है क्या, बेकिंग सोडा, वो जो पकोड़ा तलने वाला बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग सोडा, दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला जो कॉमन सॉल्ट से हमें मिल रहा है, और क्या क्या मिलेगा हमें, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर। तो ये कैसे बनता है, इतने सारे चीज वही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो ये क्लोर अल्कली प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, NaCl और वाटर के प्रेजेंस होता है। ये जो बॉक्स है इसमें क्या क्या होगा, NaCl और वाटर प्रेजेंस होंगे। क्लियर। यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ये क्या है, वो क्या है, वो एक कंडक्टर रॉड है जिससे इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर रहा है। देखो बैटरी है ये, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, और ये प्रोसेस करने के बाद जो भी पॉजिटिव आयन है वो इधर चले आएंगे, जैसे सोडियम प्लस या फिर हाइड्रोजन प्लस, H+ Na+ उधर चले गए, और जो नेगेटिव वाले होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, तो ये मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन क्या होता है, उसमें सारे पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, गेट विथ सिक्योरिटी गार्ड, मतलब सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, जो नेगेटिव वाले होंगे उनको इधर धकेलेगा और जो पॉजिटिव वाले होंगे वो उधर जा सकते हैं, ये फिर रिटर्न नहीं कर सकते। मेम्ब्रेन कुछ वैसा चीज है। तो इधर पॉजिटिव तो नेगेटिव को अट्रैक्ट किया तो नेगेटिव उधर आ गए, इधर नेगेटिव तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करके उधर चला जा रहा है, तो दोनों पार्टीशन हो गए, इधर नेगेटिव हो गया इधर पॉजिटिव हो गया। तो अब क्या हुआ, ऐसे प्रोडक्ट ऊपर से Cl2 क्लोरीन गैस निकला, इधर हाइड्रोजन गैस निकला, इधर ब्राइन जो एंटर किया था, वो ब्राइन कंटेनिंग NaOH बाहर निकल गया, और यहां पे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, जो बेकिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर जो सब भी हम बनाने वाले हैं ना, उसमें ये रिएक्शन एक वाइटल रोल प्ले करने वाला है। तो इसको मैं बॉक्स में भर रहा हूं, इसको याद करने की पूरी कोशिश करो, इसी के प्रोडक्ट से ही सारा कुछ बनने वाला है, आगे का खेल यही चलाएगा। तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर अल्काली प्रोसेस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर आपको बोला जाए क्लोर अल्काली प्रोसेस एक्सप्लेन, डिटेल एक्सप्लेन में कुछ नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आया तो ये ड्रॉ कर देना, और अगर एक दो मार्क आ गया तो ये इक्वेशन लिख के आ जाना है, 1 मार्क पूरे मिलने वाले हैं, बिकॉज दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्लोर अल्काली प्रोसेस। क्लियर। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलो हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने वाले हैं। क्या बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, जैसे मैंने बताया था क्लोर अल्कली प्रोसेस का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और तुमने देखा था कि NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हमें क्लोरीन मिला था, लिसिस करने के बाद हमें क्या मिला था, क्लोरीन मिला था। इसी क्लोरीन का प्रयोग करके हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने वाले हैं। तो क्या लेंगे, स्लेकेड लाइम
और क्लोरीन लेंगे। तो स्लेकेट लाइम सी ए ओ एच होल टू, ड्राई सेकेट स्लेकेट लाइम, ड्राई स्लेकेट लाइम इसका कॉमन नेम है, ओ एच टू ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस उसमें क्लोरीन मिला देंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, सी ओ सी ए ओ सी एल टू, और क्या बचा देख लो तुम, सी ए ओ सी एल टू और एच टू ओ बचा। तो इसी प्रोसेस से, और ये जो क्या बना सी ए ओ सी एल टू वो किसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का, किसका फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। सो इसको नोट करो, अब हम ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हम देखते हैं। यूज, तो यूज क्या होता है, टू क्लीन कटन, कटन को क्लीन करने में, और किसको क्लीन करने में, ब्लीचिंग कटन लाइनन इन टेक्सटाइल और पेपर ब्लीच, कटन एंड लाइनन, यहां पे क्लीन की जगह ब्लीच लिखते हैं क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीच कटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल्स, उसके बाद और क्या, पेपर ब्लीच, पेपर को ब्लीच करने में, पेपर इंडस्ट्री में पेपर ब्लीच, और एक चीज घर में भी ये यूज होता है, घर में भी टंकी जब या फिर कुआं जब थोड़ा प्यूरिफाई करने का हमें मन करता है तो उसको यूज करते हैं। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने वाला पानी निकलता है हमारे कुएं में से या फिर टंकी में से, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री बनाने के लिए, किसको, ड्रिंकिंग वाटर को, ये पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी, इवन वीट में आ जाएगा, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इट इज प्रोसेस्ड, फ्रॉम वेयर यू गेट द क्लोरीन क्लोरोअल्काली प्रोसेस, उसके तीन यूजेस लिखो, बन गया 5 मार्क का ये क्वेश्चन, 1 मार्क क्लोरोअल्काली वाला और 1 मार्क 2 मार्क यूजेस 3 या 4 मांग के 5 मार्क, क्लियर ब्लीचिंग पाउडर, और क्या यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, कहां पे, केमिकल इंडस्ट्री में, इन केमिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। सो इसी के साथ इसके 4 यूजेस हमने खत्म कर लिए हैं और इसके और कुछ यूजेस नहीं है बुक में। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेकिंग सोडा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नेक्स्ट कम टू बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हो, क्लियर। तो यहां पे कौन सा यूज होता है, क्लोरोअल्काली प्रोसेस में निकला हुआ NaCl यहां पे यूज होता है, क्या बनाने में यूज होता है ये, तो ये बनाता है बेकिंग सोडा और उसके साथ साथ क्या बनाएगा, NH4 बनाएगा, क्या बनाएगा, NH4 अमोनिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर NH3 अमोनिया और NaCl के प्रेजेंट में NaHCO3 बेकिंग सोडा और NH4 बनने वाला है और उस बेकिंग सोडा Na2CO3 और बाइकार्बोनेट, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी फॉर्म करता है। ये इक्वेशन अलग है, ये तुम नहीं लिखने से भी होगा, मैं हायर क्लास का इक्वेशन तुम्हें बता दे रहा हूं, हायर क्लास में पढ़ोगे इसलिए लिख दिया था, ये कोई तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है बट इन हायर क्लास। तो इसके यूजेस क्या है, तो बेकिंग सोडा क्यों यूज होता है, तो बेकिंग सोडा के यूज हैं कि फॉर मेकिंग पकोड़ा, पकोड़े तलने के लिए बेकिंग सोडा का यूज होता है, मेकिंग पकोरास, अंग्रेजी में पकोड़े को पकोरास बोलते हैं। तो नेक्स्ट यूजेस क्या है, फॉर फास्ट कुकिंग, और फास्ट कुकिंग किन को चाहिए होता है, रेस्टोरेंट वाले को, क्योंकि आप बैठोगे ऑर्डर देगे वो फटाफट बना देंगे, फॉर फास्ट कुकिंग इन रेस्टोरेंट, अच्छे वाले, छोटे वाले में तो पहले से ही वो तैयार करके रखते हैं तो इसमें ज्यादा बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, कौन, रेस्टोरेंट वाले। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाँ खत्म हो गया ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां पे जो बेकिंग पाउडर है इसका और एक यूज में बता देता हूं तुम्हें, तो ये हीट में कैसे रिएक्शन करता है, बहुत लोग पूछेंगे कि
फास्ट कुकिंग कैसे होता है? तो 2NaHCO3, जब इसको हीट दिया जाता है, जब इसको क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है, तो ये क्या बनाएगा पता है? Na2CO3H2O+CO2, Na2CO3 CO3 H2O+CO2। सर अभी बोला था ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, है मुझे लग रहा था आपके बुक में नहीं भी हो सकता, पर फिर याद आया है, आपको ये रटना पड़ेगा। ये किसका इक्वेशन है? कुकिंग का। किसका? कुकिंग का इक्वेशन है। क्लियर है? अब बेकिंग सोडा के कुछ और यूजेस पढ़ेंगे, जो कि यूज बोल के पूरा लिखूंगा। तो क्या है ये? इंग्रेडिएंट है किसका? एंटासिड्स का। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर में यूज होता है और मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो यूज लिखो, यूज कहां कहां पे है? ये नॉर्मल यूज है, मेन यूज ये है, मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा यूज होता है। और क्या है? बेकरी में जो यूज होगा। और क्या यूज होगा? ये फायर एक्सटिंग्यूशर, यूज टच सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर, जो पाउडर वाला होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर। और क्या? और अभी मैंने बोला था इंग्रेडिएंट्स किसका है? एंटासिड्स का, जो कि बेस होते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटासिड। एंटासिड बेस को लेके बनता है, जैसे एक बेस है उनका मिल्कअप मैग्नीशिया, उसमें बेकिंग सोडा भी थोड़ा बहुत होता है। तो सोडा एसिड यहां पे लिख दो, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर है? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? पहले फॉर्मूला, Na2CO3.10H2। H2O मतलब पानी है, यहां पे प्लस नहीं डॉट है। सर आप प्लस डालना भूल गए क्या? नहीं, मैं नहीं बोला हूं, इसका फॉर्मूला ही ऐसा है, तो उसका मतलब क्या है वही समझेंगे। तो पहले तो ये बनता कैसे है? रिक्रिस्टलाइजेशन से। किसके रिक्रिस्टलाइजेशन से? सोडियम कार्बोनेट के। किसके? सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से हमें वॉशिंग सोडा मिलता है, जिसका इक्वेशन ये है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O के साथ घुल जाएगा और एक प्रोसेस करेगा। कौन सा प्रोसेस? रिक्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस। तो क्या मिला हमें? Na2CO3.10H2। ये प्लस डॉट में कन्वर्ट हो गया? नहीं। तो यहां पे क्या होता है? पानी वॉशिंग सोडा में होता है, पर कैसे? छिप के होता है, हमें दिखता नहीं है। जैसे सुगर सॉल्यूशन में मिलके होता है, पूरा पानी हमें दिख रहा है, पर वॉशिंग सोडा में ये Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट में पानी होता है उसके अंदर, पर हमें तो सर जो डिटर्जेंट पाउडर है वो ड्राई लगता है ना, डिटर्जेंट पाउडर हमें ड्राई लग रहा है। क्यों क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके अंदर पानी तो है, फिर भी ड्राई लग रहा है, क्योंकि पानी छुप के है, कमरे के अंदर कोई है पर वो गायब हो गया है। वैसे ही पानी तो है पर वो गायब हो गया है। क्लियर है? इसलिए हमें नहीं दिखता है। कितना पानी होता है? 10 molecules ऑफ वाटर होता है, 10H2। अब इसके यूजेस, यूज कहां पे होते हैं? ये होते हैं कुछ इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल यूजेस, यूज्ड इन ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री। इन तीनों, ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। किसके लिए? ऑब्वियसली वॉशिंग के लिए ही होता होगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें भी वॉशिंग सोडा यूज होता है, डिटर्जेंट पाउडर जिसको तुम बोलते हो। क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पस, जैसे घर धोने के लिए, फ्लोर धोने के लिए, टॉयलेट क्लीनिंग के लिए, और सबसे मेन कपड़े धोने के लिए हम क्या यूज करते हैं क्लीनिंग एजेंट की तरह? वॉशिंग सोडा को। रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये अब ये हार्डनेस क्या होता है? तो तुमने सुना होगा जो भी वॉशरमैन होते हैं, वॉशरमैन लोग जो होते हैं, वो लोग अपना कपड़ा कहां पे साफ करते हैं? ज्यादातर वो जाते हैं धोबी घाट में, जो नदी या फिर किसी पॉन्ड में होता है या फिर लेक के किनारे होता है। तो वहां का पानी, जहां पे भी पानी खुला होता है, वहां का हार्डनेस कम होता है एज कंपेयर टू हमारे घर का पानी। इसलिए वो लोग बिना सर्फ के भी कभी कभी कपड़े धो देते हैं, साफ हो जाते हैं, पर घर में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर पानी बोरवेल वेल से आता है, और वेल एंड बोरवेल वाटर आर हार्डर देन द ओपन सोर्स ऑफ वाटर। तो ये पानी थोड़ा हार्ड लगता है, टेस्ट करके भी देखना। घर का ड्रिंकिंग वाटर मैं नहीं बोल रहा हूं, वो कपड़े धुले हुए पानी को टेस्ट करना। जो बोरवेल का पानी होगा और नदी के पानी में एक डिफरेंस आता है,
अगर लाइव में मौका मिले तो टेस्ट करना, क्लियर। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्ट, वाटर, आर सॉल्ट रियली ड्राई? तो वाटर परसेंट को हम कैलकुलेट करेंगे, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आर सॉल्ट ड्राई, छोटा सा टॉपिक है, ना ही उतना इंपॉर्टेंट है। क्या है आर सॉल्ट ड्राई? क्या जो नमक वो सूखे होते हैं, आप बहुत ते बोलेंगे सूखे होते हैं। तो पहले एग्जांपल लूंगा कॉपर सल्फेट सॉल्ट का। तो कॉपर सल्फेट का कलर व्हाइट नहीं होता है, पर जब हम इसको हीट देते हैं, जब हम इसको हीट देते हैं तो क्या होता है, इसका पानी जो इसके अंदर होता है, होता है, हाँ बिल्कुल होता है, रिमूव हो जाता है, और ये कौन सा कलर में तब्दील हो जाता है, व्हाइट बन जाता है जब इसको हम गर्म करते हैं। तो जो पानी वाला कॉपर सल्फेट होगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, उसका फॉर्मूला कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है CuSO4.5H2। तो इसमें पानी है, छिपा हुआ है, तो ये ड्राई नहीं है, इसलिए इसका कलर चेंज भी हो रहा है गर्म करने पर, वाटर रिमूव करने पर। जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .10H2, ये क्या है, वाशिंग सोडा, जो हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे हैं। ये कैसा है, गीला है, पर दिखता है थोड़ी ना गीला दिखता है, जो तुम डिटर्जेंट पाउडर खरीद के लाते हो वो गीला दिखता है, नहीं दिखता है। जिप्सम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट .2H2, तो ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम, ये भी ड्राई दिखेगा पर इसमें भी पानी अंदर से मिला हुआ होता है, तो ये भी वेट है। तो वैसे सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक हम बस देख के पता नहीं कर सकते, हमें उसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा, जिसमें डॉट लगा होगा उसमें पानी है, डॉट बोल के फिर H2 लिखा है तो पानी है, नहीं है तो नहीं है। लास्ट टॉपिक के ऊपर जाने वाले हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। जिप्सम क्या था, CaSO4.2H2, तो उसको जब हम गरम करते हैं तो कैसे गरम करते हैं, मैं यहां भी इक्वेशन लिख दे रहा हूं उसका। तो जिप्सम का फॉर्मूला देखो, CaSO4.2H2, तो इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम, क्या बोलते हैं, जिप्सम। इसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे, तो इसमें से कुछ पानी निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CaSO4.5H2। तो पानी क्योंकि उससे रिमूव हो गया है, कितना, 1.5 molecules ऑफ वाटर, क्योंकि हीट की वजह से, इवापोरेशन की वजह से। तो ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ एच टू की वजह से हेमीहाइड्रेट। और ये किसके लिए यूज होता है, प्लास्टर के लिए यूज होता है, बाय डॉक्टर। डॉक्टर जो किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो जो प्लास्टर करते हैं वो किससे बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सीलिंग में यूज होता है, फॉल्स सीलिंग बनाने में, सीलिंग डिजाइन बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस, और किसमें, स्टेचू बनाने में यूज होता है। तो बहुत से ऐसे यूज है, बुक में एक नॉर्मल यूज ये दिया था, मैंने तुम्हें और 2-3 बता दिया जो मुझे पता था। तो ये फॉर्मूला है, ये इसका रिवर्स है टोटल, CaSO4.5H2+1.5H2, पानी मिला देंगे तो क्या फिर से हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हम पानी में घोल के उसको यूज कर लेते हैं और एक बार सूख गया तो वो फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर नहीं बन सकता। और यहां पे जो H2O दिया गया है, क्या कभी H2O होता है रियल में, तो मैं बता देता हूं, नहीं होता है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है कोई भी फ्रैक्शन, 1.5 हो 1/2 हो, तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा तो किस फॉर्म में बनेगा पता है, तो यहां पे एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो जाने पर तुम देख सकते हो एक चीज हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पे जो हाफ है यहां पे 2 आ जा रहा है, तो 2 और 2 मिलके 1 हो रहा है, तो H2। तो जब भी बनेगा इस फॉर्मेट में बनेगा, हाफ कभी एग्जिस्ट करता भी नहीं। ये भी जब पानी बनेगा तो 2 × कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर भी 2 और ये 1 हो गया, तो 1+1 तो टोटल में 2 बन जाएगा, तो टोटल में 2H2O बन गया, ये 2 मल्टीप्लाई होने पर, क्लियर है। तो ये डबल हो जाएंगे, जैसे तुम जब कुछ खरीदने जाते हो, मान लो तुम 50 पैसे की कैंडी खरीदते हो आज के जमाने में, तो क्या तुम्हें कभी वो 50 पैसे का छुट्टा तुम्हें लौटाता है, वैसे ये भी नहीं लौटाएगा, पर तुम्हें क्या करता है, 50 रुपए की और एक टॉफी दे देता है, वैसे ये भी क्या करेगा, अपने आप को डबल कर देगा,
अपने आप को डबल कर देगा और राउंड फिगर में ये मिलता है नेचर में, रियल वर्ल्ड में। तो तुम कभी भी ये हाफ H2O हाफ लिख के बैलेंस नहीं करने का। अगर तुम बैलेंस कर रही हो कहीं पे इक्वेशन और तुम्हें लग रहा है कि यहां पे मैं हाफ बैठा दूं या फिर 1.5 या फिर 3/2 बिठाने से बैलेंस हो पा रहा है, तो वो काम मत करना, वो गलत हो जाएगा। कभी भी रियल वर्ल्ड में हाफ वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर है? सो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है एंड। फिर से बोलूंगा, जगह चैनल में जाओ, तुम्हारे मैथ साइंस इंग्लिश के वीडियो 2022 बोर्ड एग्जाम से पहले डल रहे होंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होता है क्योंकि हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, जाओ वहां पे जाओ, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन PYQs एक्सरसाइज सॉल्यूशन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सब कराते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में स्टडी मटेरियल्स देते हैं, 60-70 हजार के इंस्टीट्यूट जिनकी फीस होती है उनके मटेरियल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है।